देखो महेश्वर, जो होना था सो हो गया, अब होने को तो कोई टाल नहीं सकता, विधि का विधान कोई बदल नहीं सकता, लेकिन तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। तुलसी जो नहीं रही, लेकिन पीछे दो लड़की छोड़ गई, अब दोनों बच्ची को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा कर लायक बनाना है, समझे? हाँ। तुलसी बहुत ही संस्कारी औरत थी, हर काम में माहिर थी, हर किसी के साथ उसका वर्ताव बड़ा अच्छा था। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तुम एक काम करना, कुछ दिन बाद तुलसी के नाम पर घर पर ही नाम प्रसंग का इंतजाम करना। ये तुम और तुम्हारी दोनों बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। काम करते करते एकदम थक गया हूँ। खाना खा लीजिए, थोड़ा आराम मिलेगा। कहाँ आराम मिलेगा, सारा जिंदगी अकेले अकेले ही काम करना पड़ेगा। अगर एक लड़का होता तो बात अलग होता, ये दोनों लड़की मेरे कुछ काम की नहीं है। लड़की हुआ तो क्या हुआ, ये सभी हमारे ही औलाद है, ये हम दोनों की वजह से ही इस दुनिया में आई है, तो इसे बड़ा करने का फर्ज भी हमारा ही है ना। आप दुखी मत होइए, आप देखिएगा एक दिन यही लड़की हमारी किस्मत चमकाएगी। दिया बेटी, सुकन्या बेटी, तुम दोनों को बहुत मन लगाकर पढ़ना है। दिया, तुम्हें बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, और सुकन्या, तुम्हें कॉलेज की लेक्चरर बन पाओगी ना? हाँ माँ, मैं जरूर डॉक्टर बनूंगी और मैं लेक्चरर बनना ही पड़ेगा, यही मेरा सपना है। दिया, सुकन्या, कॉलेज के लिए देर हो रही है, जल्दी आओ। हाँ पिताजी। हम लोग तैयार है पिताजी। हाँ देखो, तुम दोनों को बहुत मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा, और एक दिन अच्छे रिजल्ट करके दिया को डॉक्टर और सुकन्या को लेक्चरर बनना पड़ेगा। बोलो, बन सकोगे ना? जी पिताजी, जरूर बनूंगी, मैं भी बनूंगी पिताजी। शाबाश, याद रखना, तुम्हारी माँ हमेशा चाहती थी कि तुम दोनों कुछ बनो, कुछ करके दिखाओ। तुम दोनों को तुम्हारी माँ की ये सपना पूरी करनी होगी, और मैं ठहरा गरीब किसान,
मैं जानता हूँ मैं तुम लोगों की हर एक जरूरत को पूरा नहीं कर सकूंगा, तब भी तुम्हें हार नहीं मानना है। जैसे भी हो तुम्हें सफल होना ही पड़ेगा। हाँ, मेरी तरफ से जितना हो सकेगा मैं वो सब करूंगा, सिर्फ तुम लोग पढ़ाई से ध्यान मत हटाना। ठीक है पिताजी। अब जाओ। चलो चलो। ओ बेटी सुनो, कॉलेज आने जाने के लिए पैसे तो लेते जाओ। जाओ जाओ। चलती हूँ पिताजी। हाँ जाओ। से परेशान है, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? बढ़िया। इस महीने की 20 तारीख को मेरा मेडिकल एंट्रेंस भी है। तो तुम्हें 80 तरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी, यही तुम्हारी अग्नि परीक्षा की समय है। जी पिताजी, हमें आशीर्वाद दीजिएगा। मेरा और तुलसी की आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटी। मैं अब चलती हूँ, देर हो जाएगी। हाँ, जाओ। दीदी रुक रुक, मैं भी चलती हूँ। जल्दी आओ। रुक रुक, ये लो पिताजी। हाँ? हाँ, हाँ। चलती हूँ। हाँ, ठीक है, जाओ जाओ। चल। अरे विकास, तुम वो तुमने उस दिन जो बायोलॉजी की किताब के बारे में बोला था ना, तो मैंने वो किताब तुम्हारे लिए बाजार से खरीद लिया। लेकिन वो तो बहुत ही महंगी किताब है, अब तो मेरे पास पैसा भी नहीं है। अरे रहने दो, ये मेरे तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जब तुम डॉक्टर बन जाओगी तब तुम्हारी तरफ से मुझे फ्री में इलाज कर देना, हिसाब बराबर। ठीक है, लेकिन मैंने तो अब तक मेडिकल के एंट्रेंस भी नहीं दी है, कौन जाने मुझे मेडिकल की सीट मिलेगी या नहीं। अरे तुम्हें सीट क्यों नहीं मिलेगी, तुम तो हमारी कॉलेज की सबसे अच्छी स्टूडेंट हो। भगवान जाने। और मैं क्या इतना बेवकूफ हूँ जो गलत जगह पे पैसा इन्वेस्ट करूँगा, मैं भी तो कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ ना। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ, कॉलेज में मिलूंगा। जाओ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द बुक। यू आर मोस्ट वेलकम। बाय सुकन्या। बाय बाय बाय। कैसा हाल है रे? सब ठीक ठाक ही है, बोलो। अरे विकास भाई के तो लॉटरी लग गई, हम लोग को तो एक ही लड़की नहीं मिलती, लेकिन इसने तो दो दो लड़कियों के साथ मस्ती कर रहे है। इसका मतलब है एक के साथ एक फ्री। फालतू के वक्फा सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चलता हूँ। अरे जाओ जाओ।
अब हमारे साथ रहने के लिए कहाँ वक्त मिलेगा? तुम तो उन दोनों के साथ मस्ती करो और थोड़ा हमें भी चांस दिया करो ताकि हम भी मस्ती कर सके। कैसे हो चाचा? अरे राहुल बेटा, आओ आओ आओ, बोलो कैसे आना हुआ? नहीं, मैं ऐसे ही आपके खबर लेने के लिए चला आया। हाँ, बहुत अच्छा किया, बैठो बैठो। ठीक है, मैं यहीं पे बैठता हूँ। और आपकी खेती बाड़ी कैसे चल रही है चाचा? हाँ ठीक ही है, लेकिन अकेले अकेले और कितने दिन खेती कर पाऊंगा वो पता नहीं। उम्र भी हो गया है मेरा। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप अपने आप को कभी अकेला मत समझिए चाचा, मैं आपके साथ हूँ। आज से आपकी खेती के कामों में मैं आपकी मदद करूंगा। तुम? हाँ मैं। चलिए आज से हम काम शुरू करते हैं। ठीक है तो फिर चलो। हाँ सुकन्या, मैं थोड़ा खेत होके आता हूँ। ठीक है पिताजी। हाँ। चलते हैं सुकन्या। जी भैया। तो ऐसी बात है। हाँ हिरण्य बाबू, ऐसी ही बात है। अच्छा बाय द वे केके साहब, बहुत दिन हो गए हैं आपके यहाँ से कोई भी लड़की मेरे कंपनी में गए नहीं। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये क्या कर रहा है? ये इसका स्वभाव है। अरे हाँ मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है कि नहीं? बोलिए। हाँ आपका भी जवाब नहीं। और एक बात है। हाँ बोलिए ना। आज यहाँ आपके पास आते वक्त मैंने रास्ते में दो लड़की देखी, फिर मैंने दुकानदारों से पूछताछ की तो मुझे पता चला है वो कोई महेश्वर की बेटी है। क्या आप उसे जानते हैं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं महेश्वर और उनकी बेटियों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत अच्छी बात। अगर आप उन दोनों में से कोई एक को भी मेरी कंपनी में है। अरे हाँ हाँ, आपका काम हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। क्या कहते हो किरीट? क्यों नहीं मालिक, आप सोचिए ही मत, मैं सब मैनेज कर लूंगा। ऊपर से महेश्वर तो मेरा अच्छा दोस्त है। हाँ? अच्छा तो मैं बात पक्की समझू? अरे हाँ भाई हाँ, आप समझो आपका काम बस हो गया। हिरण्य बाबू, काम हो जाने के बाद इसकी रीफ को मत भूलिएगा। हाँ अच्छा। तो फिर तुम्हें भी क्या इनके कंपनी में नौकरी चाहिए? हाँ। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में, पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल, चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ेगी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है? इसे बहुत लाभ मिल रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। अरे महेश्वर जी, कहाँ से आ रहे हैं? प्रोफेसर साहब, थोड़ा बाजार कर रहा हूँ।
अच्छा चलिए, मैं भी आपकी घर की तरफ ही जा रहा हूँ, थोड़ा दूर बातें करते चलते हैं। चलिए आइए। महेश्वर जी, मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। आपके दोनों ही लड़कियां दिया और सुकन्या पढ़ाई में बहुत तेज है, आप अगर उन दोनों को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो मैं आशा करता हूँ दोनों बहनें बहुत तरक्की करेंगे। आपके मुंह से ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। और हाँ, इस बार दिया मेडिकल की एंट्रेंस की भी परीक्षा दे रही है ना? हाँ हाँ। और परीक्षा के लिए सिर्फ एक महीना बाकी है, और इस एक महीने में अगर आप दिया को परीक्षा के लिए ध्यान देंगे तो मुझे पूरा यकीन है अगर वो अच्छी तरीके से परीक्षा देगी तो उसे मेडिकल की सीट जरूर मिलेगी। ये सब आप लोगों की कृपा है प्रोफेसर साहब। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर उसे सीट मिलती है तो उसकी मेहनत की कदर करनी होगी और आपकी सहायता की। हम लोग तो सिर्फ मार्गदर्शक है महेश्वर जी। ये आपकी बरप्पन है प्रोफेसर साहब। अच्छा मैं चलता हूँ, ये रास्ता मुझे पकड़ना हो। अच्छा ठीक है ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। क्रीप, अरे क्रीप। अरे महेश भाई आ गए आप। अरे रुकिए रुकिए, आपके लिए एक अच्छी खबर है। हाँ अरे महेश भाई, आपके लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। बैठो बैठो महेश भाई। देखो महेश भाई, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ, तुम्हारे भलाई के लिए सोचकर अच्छी खबर लाया हूँ। अगर तुम्हारे दिया बेटी हमारे हिरण्य बाबू के कंपनी में नौकरी करती है तो उसकी किस्मत ही खुल जाएगी। बहुत अच्छा आदमी है हमारे हिरण्य बाबू। लेकिन दिया तो अभी पढ़ रही है, वो इस बार मेडिकल की परीक्षा भी देगी। लेकिन महेश भाई, ऐसा अच्छा मौका बार बार हाथ पे नहीं आता, इसीलिए कहता हूँ। सुनो महेश भाई, कल वो परीक्षा देगी, फिर आगे पढ़ेगी, फिर जाके नौकरी ढूंढेगी। अगर नौकरी मिल गई तो फिर जाके हाथ पे तनख्वाह आएगी। लेकिन दिया बेटी अगर हमारे हिरण्य बाबू के कंपनी में नौकरी करती है तो फिर क्या कहना, पहले महीने से तनख्वाह चालू। और पैसे के मामले में हमारे हिरण्य बाबू बहुत ही साफ दिल इंसान है। हाँ मैं कहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें सोच के बताऊंगा, अभी कुछ नहीं कह सकता, दिया को भी पूछना पड़ेगा। हाँ ठीक है, जरूर पूछ लो दिया से, लेकिन ज्यादा देर मत करना क्योंकि नौकरी ज्यादा देर तक रहती नहीं है, हाथ से खिसक जाएगी। हाँ ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। हाँ महेश भाई। अरे ओ महेश भाई, सुकन्या बेटी। अरे ओ सुकन्या बेटी, अरे कहाँ गए ये लोग? दिया बेटी, दिया बेटी, किरिप चाचा आए हैं। कहाँ गए ये लोग? अरे मैं आया हूँ, कोई पूछने वाला है नहीं। ओ भाभी जी, राम राम। आए घर में ताला लगा के ये लोग कहाँ मर गए? महेश भाई को कितने बार समझाया कि अपने दोनों बेटियों को किसी का घर पर रख दो और वक्त आने पर हाथ पिला करके शादी करवा दो। कहाँ मेरा सुनता है? जब भी देखो अकर कमांड। अरे महेश भाई, तुम्हारा है ही क्या हा? ये बाप दादाओं ने बना कर दिया है घर, इस घर को लेकर तुम्हारी इतनी फुटानी? मेरे कोई सुने तब ना, भलाई के लिए जो कहता हूँ आज से और नहीं कहूंगा महेश भाई। अब तू मना मेरे घर पे, मैं तो चला। जय राम जी की भाभी जी। आज से महेश भाई को आना पड़ेगा मेरे घर।
दिया बेटी, दिया बेटी। किरीब चाचा। दिया बेटी, कॉलेज से आ रही हो क्या? जी हाँ चाचा। बेटी, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी। बोलिए तो। मतलब मैंने तुम्हारे पिताजी से एक नौकरी की बात की थी, क्या उन्होंने तुम्हें ये बात बताई? जी, बोला था उन्होंने। तो फिर तुमने क्या सोचा बेटी? मैं अभी नौकरी करना नहीं चाहती हूँ, वैसे भी मुझे डॉक्टर बनना है। देखो बेटी, नौकरी, ये नौकरी अगर तुम करती हो तो फिर महीने में तुम्हें 30,000 रुपया तनख्वाह मिलेगा। और ऐसे भी नौकरी बार बार कहाँ हाथ में आता है या? ऐसा मौका हमेशा नहीं आता है। मैंने आपको बोल दिया ना कि मैं नौकरी करना नहीं चाहती हूँ, बस बात खत्म। और मुझे कुछ मत बोलिए, मैं चलती हूँ चाचा। किसान के बेटी चली डॉक्टर बनने, जैसे कीचड़ में कमल खिलेगी। पिताजी, पिताजी, सुकन्या इधर आओ। क्या हुआ दीदी? अरे क्या बात है, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई है पिताजी। सुकन्या, मैं अब डॉक्टर बन सकती हूँ। आज मैं कितना खुश हूँ कि तुम्हें बता नहीं सकता। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी। आज तुम्हारी माँ का एक सपना पूरा हो गया। सुकन्या, अब तुम्हारी बारी है। मैं भी माँ का दूसरा सपना पूरा करूंगी पिताजी। मुझे तुम दोनों पर विश्वास भी है और साथ साथ नाज भी। पिताजी मेरे पास में ही है, लो बात करो। हाँ दो। पिताजी, दीदी। हाँ। हेलो, आप कैसे हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ, सब ठीक चल रहा है। मैं एक सावालिक लड़की हूँ और इसका फैसला मैं खुद ही ले सकती हूँ।